हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी विल रीड द सेक्शन बी ऑफ सिक्स यूनिट ऑफ इंग्लिश चैनल कोर्स बुक ऑफ क्लास सेवन। इट्स टाइटल्ड इंस्टीड ऑफ द वार्ड्रम, मतलब वार्ड्रम के बदले में। वार्ड्रम क्या? वार्ड्रम इज अ टाइप ऑफ ड्रम फॉर वॉर, इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिग्नल दैट द किंग्स यूज टू सेंड इन दैट टाइम टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट सम अदर कंट्री और सम अदर किंगडम। तो यहाँ पर आखिर वॉर ड्रम के बदले क्या भेजा जा रहा है और किसकी बात कही जा रही है, दैट फॉर्म्स द बेसिक कॉन्टेंट ऑफ द चैप्टर विच वी विल गेट टू नो वंस द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स हियर। डू यू नो द स्टोरी ऑफ बुद्ध? क्या आपको बुद्ध की स्टोरी के बारे में पता है? वो एक राजकुमार थे हु गेव अप रॉयल्टी एंड रिचेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड काइंडनेस। वो एक राजकुमार थे लेकिन उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा और राजशाही का त्याग कर दिया ताकि वो दुनिया को पीस और काइंडनेस का मैसेज दे सके, शांति और दयालुता का संदेश दे सके। तो पहले तो कह रहा है कि डिस्कस इन क्लास द सिंपल वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, मतलब आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो वी कैन डू numerous things in order to make this world a better place to live. We can take steps to reduce pollution that would lead to betterment of the earth. Then we can also help others whenever we find them in need. We can be truthful in our actions, and all these things will lead for our world to be the better place to live in. For example, you can start by being kind and patient with those around you. Now, without wasting any more time towards the theme or the basic content of the chapter, let's read the story line by line so that the video will not be long enough to make it boring for you. A long time ago, काफी पहले की बात है, 3rd century BC era में एक young woman समुद्र के रास्ते एक दूर दराज के आइलैंड पे गई थी। She wore patched robes. उसने robes पहन रखे थे, low robes if you see in this picture, this is the robe. तो उस महिला ने, उस लड़की ने robes पहन रखे थे और उसका जो सिर था वो भी shaved, उसके बाल मुड़े हुए थे, उसके सर पे बाल नहीं थे। उसका भाई वहीं पर वेट कर रहा था उसी आइलैंड पे, और वे दोनों ही एक मिशन पे थे। वो मिशन क्या था? She wasn't just any young woman, लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। She was the princess of Magadha and a Buddhist monk. वो उस समय के सबसे फेमस, सबसे माइटीएस्ट किंगडम मगध की राजकुमारी थी, जो कि अब एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन चुकी थी, सन्यासिन बन चुकी थी। हर नेम वॉज संघमित्रा, और उसका नाम था संघमित्रा। वो और उसका भाई महिंद्र, जिसे कि श्रीलंका भेजा गया था उनके फादर एम्परर अशोका के द्वारा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। अशोक द किंग ऑफ द पाटलिपुत्र, हुज कैपिटल वॉज पाटलिपुत्रा विच फॉर्म्स द पटना सिटी ऑफ मॉडर्न टाइम। उसके बेटे और बेटी पीस के स्प्रेड के लिए, पीस के मैसेज को दुनिया भर में फैलाने के लिए घूम रहे थे। एक बेटे का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा। नाउ महेंद्र हैड बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड। महेंद्र अपनी सिस्टर के आने के पहले वहां पर श्रीलंका के लोगों को बुद्धिज्म का पाठ पढ़ा रहा था। संघमित्रा बिगेन टू वर्क विद द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड स्टार्टेड एन ऑर्डर ऑफ फीमेल मॉन्क्स ऑफ और नंस। लेकिन संघमित्रा के आने के बाद उसने महिलाओं को इसकी शिक्षा देने की शुरुआत की। She also carried a cutting of the Bodhi tree. और जो famous महाबोधि tree है, उस tree का एक टहनी वो अपने साथ ले गई, जिसे कि वहाँ पर उसने उगाया, उसने उसे वहाँ पर पौधे के रूप में लगाया। ये वही पौधा है जिसके नीचे की भगवान बुद्ध ने enlightenment, ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि, बुद्ध को बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। Legend says the tree she planted still thrives in Sri Lanka. कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि वह पेड़ अभी भी श्रीलंका में फल फूल रहा है, मतलब बढ़ रहा है।
एम्परर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट, और जो एम्परर अशोक थे वो घोर बुद्धिस्ट थे, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन के, बुद्धिज्म फिलॉसफी के काफ़ी घोर प्रशंसक थे। ही टुक मेनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर विच कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग वॉट इज नाउ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। उसने कई सारे स्टेप्स उठाए कि वो इस रिलीजन को दुनिया भर में पॉपुलराइज कर सके, फेमस बना सके, ना केवल अपने एम्पायर में ही बल्कि आसपास के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे देशों में भी। जैसे कि आज का जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ भी इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खूब सारी अपनी ताकत झोंकी। इन एडिशन टू उसने अपने बच्चों को सिर्फ श्रीलंका ही नहीं भेजा, बल्कि बुद्धिस्ट मॉन्ग्स एंड सेंट देम एज इमिग्रेंट्स टू कंट्री सच एज सीरिया, इजिप्टन एंड मैसेडोनिया। उसने अपने बेटे बेटी के अलावा बाकी सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज के रूप में लोगों को भेजा सीरिया, इजिप्ट और ईरान कंट्रीज में। मैसेडोनिया इज द एंशियंट नेम ऑफ ईरान। मेनी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्ग्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम अशोका'स कोर्ट ऑल्सो वेंट टू साउथ ईस्ट इंडिया टू प्रोपोगेट दियर रिलीजन। अब कई ख्याति प्राप्त बुद्धिस्ट जो थे, प्रोमिनेंट फेमस बुद्धिस्ट जो थे, वो अशोका के कोर्ट से जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया में गए ताकि वहाँ पर वो प्रोपोगेट मतलब दिखा सके, फैला सके बुद्धिज्म के फिलोसफी को। नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी सी ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपाज विच आर बिलीव टू होल्ड द रिलिक्स ऑफ द बुद्ध। उसने कई सारे स्तूप का निर्माण बनवाया विच आर बिलीव टू होल्ड द रिलिक्स ऑफ द बुद्ध। द सांची स्तूप बिल्ट बाय अशोका इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो सांची स्तूप है वो एक वैश्विक धरोहर है। इन एडिशन ही इरेक्टेड अ नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स, वन ऑफ देम बीइंग द अशोका पिलर। उन्हीं में से एक है जो आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, लायन कैपिटल, वो इसी अशोका पिलर से लिया गया है। सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड इन केव्स। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस पहाड़ियों पर, चट्टानों पर, गुफाओं में भी पाए गए हैं। इन ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। कुल मिलाकर 33 ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अशोकास एडिक्ट्स। इन बिहार अपार्ट फ्रॉम राजगीर नालंदा, इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड द अशोकन एडिक्ट्स एंड वन सच अशोकन पिलर। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोकास बिलीफ इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो घोषित करते हैं कि अशोक को कितना बिलीफ था बुद्धिस्म, बुद्ध के धम्म के प्रिंसिपल में या फिर नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल में, एंड इज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल। और वो कितनी कोशिश करता था, उसकी कितनी इच्छा थी कि वो लोगों का दिल अच्छे कार्यों से जीत सके। दे ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो किस तरीके से, ये जो एडिक्ट्स हैं, ये जो रिलिक्स हैं अशोका की, वो बताती हैं कि वो किस तरीके से ना केवल अपने लोगों, अपनी प्रजा, बल्कि ह्यूमंस और एनिमल्स सबकी भलाई के लिए काम किया करता। एम्परर अशोक इज रेफर्ड टू एज देवनम पियादासी, बिलवड ऑफ द गॉड्स इन दीज एडिक्ट्स। इन एडिक्ट्स में अशोक को देवनम पियादासी मतलब भगवान का प्यारा भी कहा गया है। लेकिन अशोक हमेशा से ऐसा नहीं था। अशोक वॉज नॉट कॉल्ड द बिलवड ऑफ द गॉड्स व्हेन ही वॉज यंग। जब वो छोटा था अशोक का निकनेम था चंद अशोक, मतलब फियर्स अशोक। इट वॉज अ वेल डिजर्व निकनेम। ये नाम बिल्कुल सटीक था उस पर। एज अ यंग चाइल्ड, कम उम्र के बच्चे के हिसाब से अशोक के, जब वो कम एज का था तो उसको एक स्किन डिजीज हो गया जिससे कि वो थोड़ा भद्दा सा दिखने लगा। हिज फादर, उसके जो फादर थे बिंदुसार, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो अशोक डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ। तो अशोक ने सोचा कि वो खुद को प्रूव करेगा। ही बिकेम अ फियरलेस वॉरियर। वो एक निर्भीक ऐसा वॉरियर बना जो किसी से डरता ना हो। इवेंचुअली जिसका नतीजा था कि उसके फादर ने उसे वैल्यू करना पसंद किया एज अ सोल्जर एंड अ स्टेट्समैन,
एक काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन के जैसे उसे ट्रीट किया जाता है उसके फादर के द्वारा। बिंदुसार मेड अशोक द गवर्नर ऑफ अ फार ऑफ प्रोविंस। बिंदुसार ने अशोक को दूर दराज के एक हिस्से का गवर्नर नियुक्त किया। द प्रिंस ऑल्सो लेड स्मॉल वार्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। और जो प्रिंस जो अशोक था वो दूर के हिस्सों में अपने किंगडम को फैलाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी लड़ता रहा। आफ्टर बिंदुसार डेड, बिंदुसार के डेड के बाद अशोक ने खुद को नया राजा घोषित किया। हालांकि अशोक के जो बड़े भाई थे वे खुद के लिए गद्दी चाहते थे, वे चाहते थे कि राजा वही वे बने। लेकिन दिस लेड टू अ 2 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन, जिस कारण से लगभग 2 साल तक राजगद्दी की लड़ाई चलती रही। इन विच अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर्स एंड बिकेम किंग अशोका, जिसमें कि अशोक ने अपने भाइयों को हरा दिया और किंग अशोका के नाम से जाना गया। 8 सालों तक जब उसने अपनी जब जब उसकी ताजपोशी हुई, कोरोनेशन मीन्स ताजपोशी, राजा बनना, तो उसके 8 सालों बाद, 8 सालों तक अशोक ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई हिस्सों पे कब्जा किया, कई क्षेत्रों पे कब्जा किया। बट द एम्बिशियस किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जो एम्बिशियस किंग था उसे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आया। देयर वॉज अ किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। एक किंगडम था ईस्ट में जिसने कि उसके सामने हथियार डालने से मना कर दिया। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंग विच कवर्ड द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, मोस्ट ऑफ ओडिशा एंड अ पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जो कलिंग था वो आज के आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक किंगडम बनाया करता था। इम्परर अशोक डिटरमिंड था, वो बिल्कुल निश्चय कर चुका था कि वो कलिंग को अपने शासन का हिस्सा बनाएगा। सो राजा ने एक वार छेड़ दी नेबरिंग किंगडम पे, जिससे कि लीडिंग द वॉर एफर्ट हिमसेल्फ, और वो खुद से लड़ने गया। द कलिंग वॉर वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक। जो कलिंग की लड़ाई थी वो काफ़ी ब्लडी, काफ़ी खून खराब वाली और काफ़ी भयानक हुई। पीपल ऑफ कलिंगा तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बट दे वर ओवर पावर्ड बाई अशोका लार्ज आर्मी। लेकिन अशोका की लार्ज आर्मी के सामने वो टिक ना पाए। कलिंग वॉज प्लंडर्ड, कलिंग बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, प्लंडर्ड बिल्कुल पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से दैट एज मेनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर। ऐसा कहा जाता है उन एडिक्ट्स के द्वारा, उन्हीं पिलर्स के द्वारा, उन्हीं कार्विंग्स के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, कि लगभग 100 मिलियन, 1 लाख लोग मारे गए थे। जब लड़ाई आखिर में ख़त्म हुआ तो अशोक ने देखा अपने आसपास और सैकड़ों लाशों को पड़ा देखा। कॉर्पसेस मतलब डेड बॉडीज या लाश। उसने देखा कि जो कॉर्पसेस हैं वो बैटल फील्ड में पड़े हुए हैं। खुश होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी अबाउट एक्सटेंडिंग हिज फर्दर एम्पायर, उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसने एम्पायर को बढ़ाया। ही फाउंड हिमसेल्फ फीलिंग सैड, उसने खुद को बहुत दुख में पाया क्योंकि उसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी दूसरे वॉर को स्टार्ट नहीं करेगा। ही स्वोर टू नेवर वेज अनदर वॉर अगेन, वो कभी दूसरा युद्ध नहीं छेड़ेगा। यही रियलाइजेशन, मतलब यही जो रियलाइजेशन हुआ अशोक को पीस और नॉन वायलेंस के प्रति, अशोक ने डिसाइड किया कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करेगा और उसने इसे अपने देश का स्टेट रिलीजन भी घोषित किया। उसने हंटिंग पे रोक लगा दी और एक कई सारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट बनाई जिन्हें कि मारना अलाउड नहीं था। और यहाँ तक कि उसने अपने सब्जेक्ट्स को भी अर्ज किया, मतलब समझाया कि वो भी मीट खाना छोड़ दें और वेजिटेरियन बन जाए। वो कई बार बुद्धिस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साइट्स को घूमने के लिए निकल पड़ता। लुम्बिनी घूमते वक्त, जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, अशोक ने एक पिलर वहाँ पे बनवाया जिसमें कि कहा गया कि उस विलेज में कोई भी टैक्स किसी को भी नहीं देना पड़ेगा। फर्दर वी सी दैट ट्रू टू हिज वर्ड, अशोक का डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू पॉपुलराइजिंग बुद्धिज्म। जैसा कि वो अपनी बातों का पक्का था,
अशोक ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाने में लगा दी। आज भी 70% ऑफ श्रीलंकन बुद्धिज्म के ही पाथ को प्रैक्टिस करते हैं और 400 से 500 मिलियन, मतलब 4 से 5 करोड़ लोग आज दुनिया भर में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अ लिविंग प्रूफ ऑफ एम्परर अशोकाज चेंज ऑफ हर्ट। और ये एक लिविंग प्रूफ है कि अशोक किस तरीके से अपने दिल से बदल गया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अनदर लेसन। सो टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।